लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इस चुनाव के रेस में सभी पार्टी तेज दौड़ने का प्रयास कर रही है, जिसमें कांग्रेस ने लंबी छलांग लगाने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जनता के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने GYAN यानी ज्ञान से जुड़ी बात की है। क्या है ज्ञान और क्या कुछ वादे कांग्रेस जनता के लिए लिखकर लाई है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले कांग्रेस मतदाता के लिए घोषणा पत्र लेकर आई है, जिसमें उन्होंने ज्ञान की बात की है। ज्ञान जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अनदेवता यानी किसान और एन का मतलब नारी। यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो से लगता है कि कांग्रेस हर उस देश के नागरिक को लेकर चलना चाहती है जो देश में मतदान करता है। क्या कुछ कहा है घोषणा पत्र में, चलिए जानते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। इन 5 न्याय का नाम है श्रमिक न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। इसके अलावा घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किन 25 गारंटियों की बात की है, बताएंगे आपको। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना, OPS, नौकरी में 50% महिला आरक्षण, किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला के साथ MSP की कानूनी गारंटी, गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1,00,000 रुपए, मुफ्त इलाज अस्पताल, श्रमिकों के लिए 25,00,000 का हेल्थ कवर, डॉक्टर, टेस्ट, दवा, सर्जरी और बिना जमीन वालों को जमीन देने का दावा किया है। 48 पन्ने के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों पर जोर दिया गया है। ये घोषणा पत्र पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया कि 19 मार्च को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी थी। न्याय पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान न्याय के 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। इनमें 25 गारंटियां निकलती है। इन सभी को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि देश में आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सरकार बनी तो आरक्षण की 50% सीमा खत्म करेंगे, जातीय जनगणना करवाएंगे, युवा को नौकरी की गारंटी मिलेगी। खड़गे ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घोषणा पत्र को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी। इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं, 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पायर हो जाएगी। ये चुनाव 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है, और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है, और जो 2% चाहता है, जो अदानी जी चाहते हैं, वो आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा, उसमें उनकी रिक्वेस्ट लिस्ट पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। इट इज़ ए क्लोज इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू फाइट एन एक्सीलेंट इलेक्शन एंड वी आर गोइंग टू विन द इलेक्शन। राहुल गांधी को आपने सुन लिया, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की चुनाव रेस में पहले मारी लंबी छलांग उनकी जीत को आसान बनाएगी, यानी अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या वो अपने वादे पूरे करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश की बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए जनहित टाइम्स।